आखिर ऑब्री प्लाजा का किरदार रियो है कौन? क्या कनेक्शन है एलिस वू और मेफिस्टो का? नहीं यार, मैं मेफिस्टो को नहीं छोड़ने वाला। ये सब जानने के लिए आपको एगाथा एपिसोड 4 को लेकर स्पॉइलर्स का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी, क्योंकि ये है एगाथा ऑल अलोंग एपिसोड 4 ब्रेकडाउन वीडियो। पर उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोग। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू डीसी और फिल्मों की हर खबर का, जस्ट अ रिव्यू। एगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 4 को देखने के बाद एक बड़ा सवाल गले से लेके मुंह पर आता है, आखिर ऑब्री प्लाजा का किरदार रियो विदाल द ग्रीन विच है कौन? इस सवाल का जवाब ना सिर्फ इस एपिसोड से मिलता है पर एक फंको पॉप टॉय से भी मिला है। एगाथा के मर्चेंडाइज में इंक्लूडेड है कुछ फंको पॉप टॉयज, जहां सारे किरदारों के खिलौने हैं, जिसमें शामिल है ऑब्री का किरदार का भी खिलौना जिसके आगे लिखा है डेथ, यानी कि ऑब्री निभा रही है कॉमिक से पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ, जिसे कहा जाता है लेडी डेथ। डेथ है एक कॉस्मिक बीइंग जो है पर्सोनिफिकेशन ऑफ डेथ, वो कोई भी रूप ले सकती है, पर मोस्टली वो दिखती है एक क्लॉक कपड़े के साथ और उसका चेहरा है एक स्केलेटन का या फिर एक औरत का, जो रियो का है। इनफैक्ट डेथ का स्केलेटन वाला रूप लिलिया के हेलुसिनेशन में भी दिखा था पूरी औरत के पीछे, जो काइंड ऑफ हिंट है कि डेथ दिखेगी इस सीरीज में। डेथ रहती है डेथ डायमेंशन में, जहां ऑब्वियसली जिंदा लोग नहीं जा सकते। और भी कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं जब एगाथा और रियो एक दूसरे के साथ बात करते हैं। रियो कहती है ये, यू गेट योर पावर एंड आई गेट माय बॉडीज। उसके बॉडीज मतलब डेड बॉडी से उसकी ताकत मिलती है लेडी डेथ की तरह। जब टीन जख्मी हो जाता है एगाथा रियो से कहती है ये, डोंट, उसे लगता है कि डेथ इस बच्चे की बलि ले लेगी। आखिर में एपिसोड की शुरुआत में मिसेस हार्ट के मौत के बाद रियो जमीन खोद के निकलती है ज़ॉम्बी की तरह, जो डेथ का ही पर्सोनिफिकेशन लगता है। इसे प्रूफ करता है कि लियो है लेडी डेथ, जो कॉमिक्स में थी थैनोस का प्यार, जिसे इम्प्रेस करने के लिए मैट टाइटन ने पूरा इन्फिनिटी सागा रचा था कॉमिक्स में, और वो कॉमिक्स में डेडपूल की गर्लफ्रेंड भी रही थी, तो लाल पगला को नया प्यार मिलेगा शायद। Power in the Marvel Universe is about to change forever. एपिसोड की शुरुआत में जब टीन मिसेस हार्ट की बॉडी को दफना रहा, People can't be replaced, can't they? ये डायलॉग बोला जाता है जो एक्चुअली एक वांडा विजन नॉड है, एज वांडा ने विजन की डेथ के बाद एक नए विजन के साथ उसको रिप्लेस कर दिया था एक्स को क्रिएट करके। एक नया घर दिखता है जो है पेंटागन शेप का, जो विचेस रोड का दरवाजा भी था पेंटागन शेप। मून का एक और पर्सनिफिकेशन दिखता है यहाँ पर, जो पिछले एपिसोड में भी दिखा था। मून का विचेस के साथ काफी गहरा कनेक्शन है जो इस पूरे सीजन दिखाया जाएगा शायद। ये लोग पहुंच जाते हैं एक 70s की रेट्रो म्यूजिक एज वाली रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, जहां सब बन गए 70s के रॉकस्टार। तो जहाँ पिछला एपिसोड कंसंट्रेट कर रहा था जेनिफर केल पर और उसके पोशन मैजिक पर, यहाँ कंसंट्रेशन है एलिस वू पर, जिसके फैमिली पर है जेनरेशनल कर्स, जो मुझे लगता है उसकी फैमिली को मिला है मेफिस्टो से। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं हाँ, मैं फिर से जा रहा हूँ उसी रास्ते, जो करना है कर लो। कई हिंट्स मिलते हैं इस एपिसोड में। जिस घर में ये सब घुसते हैं उसके रूप का शेप एम की तरह है। रूम में कई सारे चेहरों की मूर्तियां हैं, जिनमें से एक के हैं बड़े सींग और राक्षसी आंखें, जो मेफिस्टो की याद दिला रही है। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? फाइनली जो राक्षस एज ए कर्स दिखता है, उसका सारा नाक नक्शा मेफिस्टो की तरह लगता है। ये पागल हो गया। जब कर्स अपना नमूना गिरी दिखा रहा था, सारा कमरा आग से भर जाता है। मेफिस्टो के हेल का एक पर्सनिफिकेशन है, मेफिस्टो के हेल आग से भरा हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो जनरेशन कर्स मेफिस्टो ने ही दिया होगा। मैं तो थक गई भाई। और मेफिस्टो आ रहा है, बस आ रहा है। अच्छा 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 ठीक है। ये रेट्रो घर के दीवारों पर है चित्र, जहाँ दिखते हैं इमेजेस ऑफ अलग अलग तरह के टॉर्चर ऑफ विचेस, जो कई सालों से चल रहे हैं। वॉल्स पर कई सारे फिक्शनल म्यूजिक बैंड के चित्र भी हैं, जिनमें से एक में लिखा है ब्लैक कैट जो नॉड है स्पाइडरमैन विलन किरदार पर, और एक फोटो पर लिखा है फ्लीटवुड मैक, जो एक रियल लाइफ म्यूजिक बैंड है 60s की। और एक फोटो दिखता है एलिस की माँ का, लोना वू का, जो एक पॉपुलर सिंगर थी और हमें पिछले एपिसोड में भी दिखी थी। लिलिया को फिर से विजन आते हैं जो सारे एपिसोड में दिखे थे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी उसके हेलुसिनेशन आने वाले एपिसोड पर एंड हो सकते हैं, जहाँ क्या होने वाला है राइटर्स लिलिया के थ्रू कह रहे हैं हमें। आई लव यू गाइस। व्हिच इज इट, एम आई विस्पी और एम आई कूकी? एलिस, एलिस डोंट। तीन बजा देता है गाना हॉरर, क्योंकि वहाँ लिखा था प्ले मी, जो एलिस इन वंडरलैंड की याद दिलाता है, जहाँ एलिस एक फैंटेसी लैंड में पहुंच गई थी, जहाँ उसके अगले टास्क के लिए इसी तरह के मैसेजेस जैसे ईट मी लिखे हुए आते थे उसके पास। एलिस वू एक प्रोटेक्शन विच है, जो इस तरह के सर्कल और मंत्र से लोगों को कर्सेस या फिर डीमंस से बचा सकती है। फाइनली जब सब टीन के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे, लिलिया कहती है ये, What is that? Vampire bite. Right before I knocked out his other two. कंफर्म करता है कि वैम्पायर्स एमसीयू में एग्जिस्ट करते हैं, और मैं होप करूंगा ये माशाल्लाह अली की ब्लेड पर रेफरेंस हो, यानी माशाल्लाह का सपना पूरा हो रहा है। एक नए डायरेक्टर से बात तो चल रही है, इस वीडियो में मिलेगा आपको इस पर खबर। एगाथा रेफर करती है डॉटर्स ऑफ लिबर्टी पर। You ever hear the Daughters of Liberty? Uh-uh. No.
एग्जैक्टली तो मार्वल कॉमिक्स में एक ग्रुप ऑफ वुमेन का ऑर्गेनाइजेशन था 18th सेंचुरी में जो आजादी के लिए लड़ रही थी। इस ग्रुप को मैजिक कॉमिक्स में एगाथा ने ही सिखाया था। बाद में मॉडर्न डे में भी ये ग्रुप बनी थी जिसे लीड किया था शैरन कार्टर ने, जो अब एक क्राइम बॉस बन गई एमसीयू में। फाइनली एपिसोड के आखिर में ये रिवील हुआ कि एगाथा और रियो के बीच प्यार था, यानी एगाथा लेडी डेथ से प्यार करती थी। थैनोस को बड़ा गुस्सा आएगा। हो सकता है कि एगाथा ने रियो को मजबूर किया हो कि रियो एगाथा के बेटे निकल स्क्रैच की बलि दे दे मेफिस्टो के सामने, ताकि एगाथा डार्क होल्ड के पावर्स को ले पाए। और एज अ गिल्ट एगाथा को लगता है कि टीन उसी के बेटे का रीइंकार्नेशन है जो उसके पास आया है। जो मुझे भी लगता है कि टीन निकलस क्रैच का ही रीइंकार्नेशन है जिसे रीइंकार्नेशन मेफिस्टो ने करवाया है बिली। बड़ा मजा आ रहा है एपिसोड देख के। जिस तरह की मिस्ट्री होल्ड कर रही है एपिसोड, बहुत मजेदार है। कौन है बिली, कौन है रियो, लिलिया का क्या फंडा है, ये सारे आंसर्स हमें आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ, कैसे लगा आप लोगों को एपिसोड 4। लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। 2019 की सरप्राइज हिट जोकर को सीक्वल की जरूरत थी क्या, इसका जवाब मिलेगा इस रिव्यू वीडियो में जो आखिर में है। चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट इन अ रिव्यू। जस्ट इन अ रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।